आपको खबर ये दिखा रहा हूँ, ये वार्ड नंबर एक का, यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि लाला भाई हैं, उनके आवास पर ये जनता बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं होता है। सुनिए आगे ये लोग क्या कह रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जब से कार्यकाल समाप्त हुआ है हम लोग के वार्ड में सफाई नहीं हो रहा है। जैसा कि ये जनता लोग जो हैं सो पार्षद से आए हैं अपनी गुहार लगाने के लिए कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रहा है। इन जनताओं ने क्या कहा, क्या इनकी समस्या है, सुनिए इन्हीं की जुबानी। आपको मैं बता दूं कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो यहाँ सफाई कर्मी हैं वो वार्ड पार्षद जो हैं वर्तमान में उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वार्ड पार्षद का आरोप है। वहीं इन्होंने जब नगर निगम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कोई पत्र निर्गत नहीं किए हैं कि पार्षद से संपर्क नहीं करें। लेकिन जनता का कहना है कि जब से कार्यकाल समाप्त हुआ है हम लोग को वार्ड में सफाई नहीं होता है। अगर हम लोग कचरा लेके कहीं गिराने जाते हैं तो उस ज़मीन के जो मालिक हैं वो हम लोग के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं एवं जुर्माना वसूलते हैं। आखिर हम लोग कचरा कहाँ गिरावें। हमारे वार्ड में न कचरा न सफाई कर्मी आते हैं। हमारे वार्ड में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो नागरिक हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जब मैंने वार्ड पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं लाला भाई, जब उनसे मैंने पूछा कि आखिर ये लोग आपके पास क्यों आए हैं, क्या इनकी समस्या है, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप दरभंगा नगर निगम पर लगा दिया। कहा कि नगर निगम कुछ सफाई कर्मी हैं वो अब हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे संपर्क में नहीं हैं। अब वो क्या वार्ड में सफाई करते हैं वो तो सफाई कर्मी ही जाने, लेकिन जनता से मेरा सीधा संबंध है, जनता हमारे पास आती है। आखिर हम करें तो करें क्या। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो सफाई कर्मी हैं वो नगर क्षेत्र में साफ करने नहीं जाते हैं, वार्ड में नहीं जाते हैं, वार्ड पार्षद से संपर्क नहीं करते हैं, तो आखिर सफाई कैसे होगी। सुनिए जनता ने क्या कहा, वही पार्षद प्रतिनिधि ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उसमें हार जीत का फैसला नहीं हो जाता है, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, तब तक किसी को अधिकार है ही नहीं है किसी का गिनस काउंसलर का गिनस से अधिकार को छीनने का। मगर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, पार्षद साहब तब कहे है जाला का कचरा साफ कर ले, नहीं जाए है। अच्छा। 15-20 दिन पर जाए है कर, तब लोग कितने दिन जमा कर रखते, फेंक आवे तक बाद जाए है कर, फेंक ला जाए ओला लोग के बात ओला माना गाड़ी दे बात कहे है कर, सर दंड जुर्माना सहित ले है कर, इतना कचरा जुर्माना ले, हां जुर्माना सर ले है। अच्छा, कौन लेता है जुर्माना, गांव वाला लोग, गांव वाला लोग। अच्छा अच्छा, जो वार्ड में नहीं जाए, झाड़ू पोछा लेकर के नहीं जाते हैं ना, गाड़ी भी जाते हैं एक बेरी, बोलो गाड़ी के खराब है, बोलो गाड़ी जेबे नहीं करता है। तो आप लोग टैक्स देते हैं? हाँ तो टैक्स देते हैं नहीं तो। अच्छा, जमजाल जिम्मेदार भी नहीं जाते हैं, नहीं जाता है। हाँ। सफाई नहीं होता है जी, नहीं। कहिए कि आप ही के वार्ड के जनता जो हैं अपनी समस्या लेके आपके आवास पर आए हैं। इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि 15-20 दिन से हमारे वार्ड में हमारे घर के अगल बगल में सफाई नहीं होता है, और अगर हम कचरा गिराने कहीं जाते हैं तो जिस जमीन में कचरा गिराने जाते हैं वहां के लोग झंझट करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है? बिल्कुल ये लोग जो जनता का जो कहना है बिल्कुल सत्य है, सही है। आज से लगभग समझिए कि मैं 26/6 को हमने किन्हें एक पिटीशन दिया नगर आयुक्त के नाम से कि वार्ड कौन, हम लोग वार्ड काउंसलर जो हैं मेरे यहाँ वार्ड जमादार जो हम लोगों को मिला हुआ है और लेबर नहीं, लेबर मिला हुआ है वो हम लोगों के यहाँ काम पर नहीं आता है और ना हम लोगों से कोई संपर्क बना रहा है। तो उसके बाद जब उससे पूछे, एक रोज हम जिम्मेदार को पकड़े तो बोला कि नहीं आप लोगों का पावर ख़त्म हो गया है, जो हमको सिटी मैनेजर मना कर दिया कि किसी भी काउंसलर के आप तुम लोगों को लेबर लेकर के नहीं जाना, उनके संपर्क में नहीं रहना। उस समझे कि एकाक महीना से कि न से इस सारा व्यवस्था पूरा ख़राब हो गया, चरमरा गया है, कोई लेबर की काम करता नहीं है, अब कब आता है कब जाता है ये हम लोगों को जानकारी ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताया जाए कि जैसा कि जमादार कहना है कि सिटी मैनेजर कह रहे हैं कि आपके, लेकिन जनता तो इस चीज़ को नहीं, जनता को तो सफाई चाहिए। ये देखिए, ये तो एकदम सरासर किन से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, इलेक्शन का घोषणा, ये जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, तब तक तो ऑलरेडी जो पार्षद है वो कार्यरत रहेगा ही। ये तो सरासर गुंडागर्दी सिटी मैनेजर के वजह से हो रहा है कि सिटी मैनेजर उन लोगों को उसका दिया है कि भाई आप लोग मत जाइए किसी पार्षद के यहाँ, अब पूरे वार्ड में गंदगी का माहौल पैदा हो गया है,
कहीं कोई कचरा फेंकने नहीं देता है। अगर कोई गरीब गुरबा जाता है किसी के यहाँ के रोड के कात में या कहीं पर फेंकने के लिए, उसको पकड़ के मारता है, पीटता है, गाली देता है, उसको जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अरे जनता तो सीधे आपके पास आएगी जी, जनता तो आ रही है, जनता से हम लोग फेस कर ही रहे, जनता को समझा ही रहे। हमने तो नगर आयुक्त को पिटीशन भी दिए जिसका कॉपी भी मेरे पास है, इसमें आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर जनता फिर कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, तो हम मेरे पास आ रही तो हम तो अगले के पास जाएंगे ना भाई। हम अगर लिखित रिटर्न में नहीं देते, नहीं कहते, तब ना नगर आयुक्त महोदय जो है वो पूछे उसको बुला करके जिम्मेदार को कि तुमको किस आधार पर तुमने किन से काम को अब इन लोगों का उनके यहाँ जाना बंद कर दिए, कौंसिल के संपर्क को तोड़ लिए। अच्छा अच्छा, जब अगर इस तरह का बात था तो हम लोगों को नगर आयुक्त महोदय को हम लोगों को नगर आयुक्त महोदय को हम लोगों को लेटर इशू करना चाहिए ना कि आपका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप लोगों का काम को ना अब किन से समाप्त किया जा रहा है। आप लोग को सूचना नहीं दिया गया? नहीं, हम लोगों को सूचना नहीं दिया गया, इसी बगैर सूचना के एक महीना से किन क्या कहते हैं कि वो नहीं आ रहा है, हम लोगों के पास नहीं आ रहा है, ना कोई संपर्क बना रहा है, ना वार्ड में कहीं पर हम लोग खोज खाज करते हैं, ना वार्ड में कहीं पर ना कोई लेबर मिल रहा है, ना जमादार मिल रहा है। अच्छा, जवाब भी आ गया है, ये तो नगर निगम के प्रशासक जो बैठे हुए हैं इनको ना देखना होगा कि इस तरह का बात क्यों हो रहा है। अब तो हम लोग के पास जो भी अगर आता है आधार सुधार के लिए या किसी काम के लिए, हम लोग नहीं कल से नहीं करेंगे। जब उसका विभाग का कहना है कि मैं हम लोगों का अपना कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर हम क्यों लिखेंगे? जनता तो आपके पास आएगी ही, तो जनता को भेजेंगे नगर निगम में, तो भाई तब उसी का आपके सामने जनता है ना, हो जनता को देख रहा है ना। मगर ये तो बेबुनियाद बात है ना कि जब तक कि हम लोगों को किसी तरह का आदेश नहीं हुआ कि नहीं आपका कार्यकाल समाप्त किया जाता है, उसके पहले क्या कारण है कि लेबर और जमादार को रोक दिया गया? ये तो एकदम असंवैधानिक बात है ना भाई। तो माना जाए अमूनन ऐसी व्यवस्था हर वार्ड में होगी? एकदम लगभग सब वार्ड में है। वार्ड की सफाई कैसे होती है? एकदम नहीं हो रहा है, ठप है, बता नहीं रही है जनता, बता नहीं रही है कि पूरा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अब चुनाव आ गया है, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? नहीं, सारे काउंसिलर पर पड़ेगा इसका असर, सारे काउंसिलर पर पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसके जो समस्या उत्पन्न हो रही है लगातार, हम लोग किसी से कुछ काउंसलर से बात कर रहे हैं, हम लोग कमिश्नर से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उन लोगों के पास इस बात को रखेंगे कि इस तरह का समस्या पैदा हो चुका है, अब जल समस्या रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कितना कुछ कर लिया जाए खत्म नहीं होगा। उसके पीछे कुछ कारण है, कारण ये है कि हम लोगों से पहले जो यहाँ पार्षद थे उसके समय में वार्ड नंबर 2 में जो नाला था, वो नाला पर मकान बना चुका है, उस नाला को हम मकान को तोड़वाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, मगर वो लोग किन से केस तेस में भाग गया, इसकी वजह से किन से मकान किन से तोड़ा नहीं गया, नाला का पूरा जब तक खुदाई नहीं होगा मकान तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा पानी का समस्या रहेगा। आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहेंगे, जो समस्या आपने अभी बताया है वो सारा समस्या वार्ड की जनता जान रहा है, देख रहा है, इसी वजह से ना सब खामोश बैठा हुआ है, क्या करेगा। अभी किन से एक छोटा सा ताज बिशनपुरडी में एक रोड भी था जिससे कुछ किन से इस इलाके का किन से अच्छा खासा पानी निकल जाता था, उसको भी रोड को भर दिया गया, नाला को भर दिया गया, भर करके 2 फीट अढ़ाई फीट ऊँचा रोड बना दिया गया। उसके बाद हम लोग नगर निगम को लिख करके भी दिए हैं जिसका हमारे पास किन से साक्ष्य भी है, उसका क्या कहते हैं कि 2 कॉपी भी हम लिए हुए हैं, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो माना जाए कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं होगा।